लोकम दधतममृत कुंभम चारुदोर्भि चतुर्भि सूक्ष्म स्वच्छातिवृत्यम सुख परिविलसत् मौलिम अंभोजनेत्रम कालांबोधोज्वलांगम कटितट विलसनम चारु पीतांबराढ्यम वंदे धन्वंतरिं तं निखिल कदवनम प्रौढदावाग्निनीलम् वंदे धन्वंतरिं वंदे. थैंक यू. ओवर टू नीलम जी. जी थैंक यू. इस नवरात्रि का पूरा संचालन डॉक्टर हितेश जानी जी के नेतृत्व में लोग आयुर्वेद की टीम भारत भर में योगदान दे रही है, जैसे कि मुंबई से डॉक्टर अदिति कुलकर्णी जी, दिल्ली से डॉक्टर प्रीति छाबड़ा जी, जामनगर से डॉक्टर करिश्मा नारवानी जी, डॉक्टर गौरांग जी राजकोट से, डॉक्टर शैलेंद्र जी कलकत्ता से, डॉक्टर हेमांग कच से, डॉक्टर गगनदीप जी पटियाला से, डॉक्टर ममता फ्रॉम गुवाहाटी, ऐसे बहुत जगहों से आयुर्वेद का प्रचार और उपचार संबंधी काम कर रहे हैं लोक आयुर्वेद की टीम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम सबका स्वागत और अपनी सुहानी आवाज में धन्वंतरी भगवान की स्तुति गाती हैं, ऐसी हमारी शुभ मंगला डॉक्टर जी आचार्य जी, जो बैंगलोर से लोक आयुर्वेद कर्नाटक स्टेट की प्रतिनिधि हैं. और मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हम जो भी आज का सत्र या पहले के जितने भी डॉक्टर जानी जी के वीडियोस या लोक आयुर्वेद के जितने भी प्रसारण होता है, वो लोक आयुर्वेद की वेबसाइट पर हम जाके देख सकते हैं. थैंक यू. ओवर टू शुभ मंगला जी. थैंक यू नीलम जी. अब हम आज के मेहमानों का परिचय कराते हैं. रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हितेश जानी जी, जो एक निष्णात आयुर्वेद तज्ञ हैं और एक अद्भुत आयुर्वेदिक स्टाइल के नवरात्रि उत्सव समारोह के प्रणेता हैं. आज के हमारे स्पेशल पर्सनालिटी आरोग्य भारती मुख्यालय से राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश गौतम जी नागपुर से जुड़े हैं, और आज के स्पेशल एनजीओ जैविक बाजार ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताने के लिए सूरत से स्टोर के फाउंडर श्री धवल निरमगमा जी जुड़े हैं. शरद ऋतु के उपयोगी योगा आसन प्राणायाम के लिए हिमांगी बेन दवे योग विशेषज्ञ जामनगर से जुड़ी हैं. आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी कर्णावती से स्थित निष्ठा आयुर्वेद एंड पंचकर्म सेंटर की सीईओ है और इस क्षेत्र में 20 वर्षों काम कर चुकी है, अहमदाबाद से जुड़ी हैं. आज की शरद ऋतु वाली स्पेशल रेसिपी के गुण बताएंगी भूमि जी रावल, जो भावनगर से संगीत विशारद है. अनेक शरद ऋतु और कोरोना एंग्जाइटी के समय उपयोगी भीम पलासी राग में मधुर संगीत का आनंद लेंगे जामनगर से. भारत का प्रथम नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक शतम कोविड केयर सेंटर राजकोट के एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मीता फर्दू से जुड़े हैं, और उनके साथ दो कोरोना पेशेंट्स इस सेंटर से लिंक जो ठीक हुए हैं वे भी आज राजकोट से जुड़े हैं. आप सब विशेष अतिथि और पैनलिस्ट और जूम एंड यूट्यूब व्यूअर्स को स्वागत है. और नीलम जी के बारे में तो मैं बताती नहीं हूँ, मतलब रोज वो इतना काम करते हैं, सारे नवरात्रि के ये प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह संभाली है और एक ब्लॉग राइटर भी है. थैंक यू नीलम जी. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच वैद्य शुभ मंगला जी. आप सबसे मैं अभी भी छोटी हूँ एक्सपीरियंस में. और वेल खास सूचनाओं में जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं ना हो पाए तो वो जूम ऐप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड रोज ब्रोशर में दिया जाता है और आज उसकी लिंक भी ग्रुप्स में भेजी गई है. लोक आयुर्वेद द्वारा चलाई जा रही इस नवरात्रि वेबिनार सीरीज के विशेषता के बारे में ऑल इंडिया रेडियो ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि पूरे भारत को बताया है. उन्होंने बताया कि भारत के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी अपने लोक आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के माध्यम से महामारी के टाइम आई इस नवरात्रि को आयुर्वेद से जोड़कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दे रहे हैं. हमारी पूरी कोशिश है
कि आप तक अपनी बात निर्विघ्न पहुंचाएं। बीच में नेटवर्क इश्यूज के लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। हमारे आयुर्वेद गुरु डॉक्टर हितेश जानी जी एक निष्णात आयुर्वेदाचार्य है, गुजरात है आयुर्वेद विद्यापीठ के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। जो लोग आए नए जुड़े हैं उनको सिर्फ एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि सर 18 वर्षों से नव दुर्गा की उपासना में मौन रहते थे और ग्रंथ का अध्ययन भी करते थे, पर 10वें दिन समाज को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से बोध करते थे। लेकिन इस बार कोरोना के वजह से हमारे यहाँ पे शतम आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था के कारण उन्होंने ये मौन नहीं रखा है। इसलिए लोग आयुर्वेद वेलनेस कॉन्सेप्ट द्वारा प्रस्तुत मार्कंडेय पुराण का शरद ऋतु वाली नवरात्रि के पीछे की अनसुनी स्वास्थ्य की कहानी को कंटिन्यू करते हुए आइए सुनते हैं हम सबके आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी की जुबान में आज के चतुर्थ दिवस की देवी कुष्मांडा की औषधि के बारे में। ओवर टू डॉक्टर हितेश जानी जी। धन्यवाद मंगला जी, हमारे सबके सीनियर मार्गदर्शक मान्य रमेश जी को प्रणाम करते हुए आप सबको नवरात्रि की, खास करके चौथी नवरात्रि की माँ कुष्मांडा देवी की आपको सबको मनोकामना पूर्ण करे ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आपको आज का क्या वनस्पति का महत्व है। मैंने आपको एक बताया था मार्कंडेय पुराण में दुर्गा कवच के नाम से ये स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि मार्कंडेय को ये बताया था, और वो नव दिन नव दुर्गा नवरात्रि माता जी का नाम हमको लगता है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, जैसे आज है माँ कुष्मांडा। लेकिन उनके नव श्लोकों की जो फलश्रुति है उसमें स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माणी को बताया कि ये एक एक देवी का जो नाम है वास्तव में एक एक वनस्पति है। तो उस वनस्पति के बारे में इस नवरात्रि कोरोना काल में जब हम सामूहिक ध्यान भजन गरबा रास ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रशासन ने हमको ना बोला है, और वास्तव में हम कोई कोरोना फैलाना भी नहीं चाहते हैं, ग्रसित भी नहीं होना चाहते, तो ऐसे समय में हम हमारे हेल्थ को इस शरद ऋतु में कैसे ठीक कर सके, और हमारे प्राचीन आचार्यों ने मनीषियों ने इसके बारे में क्या कहा था वो समझने की कोशिश करते हैं। ये दुर्गा कवच यानी देवी कवच चारों ओर जो नकारात्मकता कभी फैलती है, हर बार हर दिन बताता हूं कि आपको अगर सन का बाइट लगेगा तो आप सनस्क्रीन लगाएंगे, आपको गर्मी लगती है तो आप कपड़ा लगाएंगे, छाता लगाएंगे, आपको बारिश आती है बिघना नहीं है तो आप छतरी लगाएंगे, अम्ब्रेला लगाएंगे, और आपको बुलेट से बचना है, गोली से बचना है तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे। लेकिन आपके मन के ऊपर जो प्रभाव करने वाला, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव करने वाले जो कुविचार है, जो कुछ ऐसे इनविजिबल लेकिन फिल्टरेबल ऐसे जो तत्व है जिसको आप वायरस कहो या बैक्टीरिया कहो या दुष्विचार कहो, उसको उससे बचने के लिए क्या करना है, तो हमारी ओर एक और नहीं दिखने वाला ऐसा एक कवच चाहिए, और वो कवच शक्तिशाली मंत्रों से हम कर सकते हैं। वो बात मैं हर दिन इसलिए बताता हूँ कि कुछ न कुछ नए पाठक, नए दर्शक, नए प्रेक्षक आते हैं, और ये बात मैं मेरे लिए भी ये करना चाहता हूँ, मेरा एक दृढ़ मानना हो जाए कि यही दुर्गा कवच हमको बचा सकती है। तो इस दुर्गा कवच में आज चौथी नवरात्रि है, चतुर्थ है कुष्मांड माता। ये कुष्मांड माता माता का नाम है, लेकिन हम कुष्मांड को वैद्य आयुर्वेदाचार्य और हमारे मार्कंडेय पुराण ने आरोग्य के साथ इस शरद नवरात्रि में कैसे जोड़ा है, तो वह है कद्दू। कद्दू जो है वो मधुर और शीत है, मधुर है और शीत होने की वजह से वो शीत वीर्य है, लघु है वो स्निग्ध है। लघु और स्निग्ध दोनों होना मुश्किल होता है, क्योंकि लघु होता है वो गुरु होता है, स्निग्ध होता है वो गुरु होता है, तो लघु और स्निग्ध, मधुर और शीत, तो ऐसे, और थोड़ा खट्टा भी है उसमें, तो पूर्णतया वो पित्त का और वायु का समन करता है। ऐसी एक कद्दू जिसको पेठा भी बोलते हैं, उस कद्दू यानी कुष्मांड, तो कुष्मांड और या पेठा खाने से एसिडिटी में फायदा होता है, वो पित्त सामक है जो शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, क्योंकि शरद में रोगाणाम शारदी माता, तो पृथ्वी और सूर्य के ऐसा कोण बनता है तो जिसमें सीधे किरण पृथ्वी के ऊपर आते हैं, हमारे मनुष्य के ऊपर आते हैं, प्राणी पक्षी के ऊपर आता है, तो रक्त खो जाता है,
पित्त और रक्त की योनि एक होने से रक्त के रोग ज्यादा होते हैं, कभी कभी एपिटेक्सिस, कभी ये ब्लड प्रेशर, कभी फिर इंटरनल हेमरेज होने से पैरालिसिस, महिलाओं के गर्भाशय के रोग होते हैं, कभी ये स्किन डिजीज के रूप में बाहर आते हैं। तो पेठा जो है या कद्दू है वो उसके गुण के हिसाब से बवासीर यानी अर्श में पाइल्स के लिए कहीं ऐसा जहां से भी ब्लीडिंग होता है तो उसको रोक सकता है। पेठा जो है उसका जूस है वो वजन करने में फायदेकारक है। वो मूत्रल है, मूत्रल होने की वजह से वो किडनी साफ करता है और पूरी यूरिनरी सिस्टम को ठीक करता है। सीट वीर्या मधुर होने से वो सेक्स पावर में, मस्तिष्क के विकार में उसमें वो बहुत अच्छा है। जैसा मैंने बताया कि एसिडिटी, अल्सर या जो भी ऐसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें कद्दू की सब्जी, कद्दू का पाक यानी कुष्मांड पाक जिसको हम पेठा कहते हैं, और हृदरोगी के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। आपने कद्दू देखा होगा और से एरिया में भारत में बहुत कॉमन है। कद्दू के दो प्रकार होते हैं, ग्रीन कद्दू और येलो कद्दू। कुष्मांड है जो पीत कद्दू है और सफेद कद्दू है। जनरली तो वो मीठा है लेकिन आप जो लंबा जो दिख रहे हैं थोड़ा वो खट्टा मीठा भी होता है। तो इस प्रकार के कद्दू पंकी जिसको कहते हैं, आपने पेठा तो देखा होगा, वो ड्राई पेठा है या रस वाला पेठा है। पेठा भारत के हर लोग जानते हैं, पेठा बहुत मशहूर है यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ उसका बहुत उपयोग होता है। कद्दू की सब्जी बनती है, की चटनी बनती है। पीला कद्दू है उसकी जिसको गुजराती है पत्थर कद्दू बोलते हैं, पीत कद्दू, और कद्दू की चटनी बहुत अफलातून बनती है, वो मीठी खट्टी चटनी होती है और वो कोई भी चीज का पित्त को रोक सकती है। आज मैं ये कद्दू के बाद फिर गाय के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन कद्दू ये आज कुष्मांड माता है तो उसकी चर्चा मैंने आपके सामने रखी। और तो नीलम आगे की बात हूँ आपके आपको बताने वाली। थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सिर्फ एक जरूर सूचना देना चाहूंगी, यूट्यूब पे व्यूवर्स या फिर जूम से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके कोई भी प्रश्न हो तो ये चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हम सर के द्वारा मंत्र प्रसाद जब होगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स जरूर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के साथ योग प्राणायाम करके इस महामारी से जूझने का बल मिल सकता है। हमारी अगली वक्ता हिमांगी बेन दवे, जो बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में अभ्यास किया है और एक योग विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे शरद ऋतु के योग के बारे में आगे सुनते हैं। ओवर टू हिमांगी बेन दवे जी। नमस्कार, मैं हिमांगी दवे जामनगर से। आज हम बात करेंगे नवरात्रि और लोक आयुर्वेद प्रकल्प में नवरात्रि और योग के संबंध के बारे में। आज नवरात्रि के चौथे दिन की देवी है माँ कुष्मांडा देवी, जो कि हमारे शरीर में हृदय स्थान के पास स्थित अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, उस चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। यह चक्र का प्रधान तत्व है वायु तत्व और चक्र का बीज मंत्र है यम। इस मंत्र का हृदय के स्थान के ऊपर ध्यान करने से हृदय चक्र की ऊर्जा बैलेंस होती है और हमारे अंदर प्रेम, करुणा और एकत्व की भावना विकसित होती है। हमारे शरीर में वायु तत्व पंच प्राण के रूप में है, प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान और उदान वायु। वायु का गुण है गतिशीलता, जो कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों में देहधार्मिक प्रक्रियाओं को गति प्रदान करती है। जैसे कि हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, गले से नीचे का और पेट तक का हिस्सा उर प्रदेश प्राणवायु से संचालित होता है और पेट का हिस्सा और पाचन तंत्र समान वायु से संचालित होता है। उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र जो है वो अपान वायु से उसका कार्य संचालन होता है। हाथ और पांव को गति देता है व्यान वायु और उदान वायु हमारे मस्तिष्क व चेतातंत्र को कार्यान्वित करता है। हृदय चक्र की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए उसकी हम बात करें तो चक्रासन, नटराज आसन, अनाहत आसन, व्याघ्रासन, सलभासन,
जैसे आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारे हृदय चक्र की ऊर्जा बैलेंस होती है, हृदय के स्नायु दृढ़ व शक्तिशाली बनते हैं। मुद्राओं की बात करें कि कौन कौन सी मुद्राओं का अभ्यास उपयोगी है हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए और पंच प्राणों को बैलेंस करने के लिए, तो उसमें है हृदय मुद्रा, पद्म मुद्रा और कपिता मुद्रा। इन मुद्राओं का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति का बैलेंस होता है और हमारे अंदर शांति, प्रेम एवं सद्भावना के गुण की उत्पत्ति होती है। आगे हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम की अगर हम बात करें तो हृदय से संबंधित सबसे जो पहला प्राणायाम हमें याद आता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसका अर्थ होता है लोहार के धमन। जैसे लोहार के धमन इंपैक्ट के साथ नीचे ऊपर जाती है, वैसे ही हमें रैपिड एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उससे हमारे हृदय के जो स्नायु है वो मजबूत बनते हैं और आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं रहता है। इसके दो वेरिएशन और भी है, एक स्लो पेस भस्त्रिका प्राणायाम, यानी उसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी से नहीं करना है, थोड़ी कम स्पीड में करना है, और दूसरा जो है वो है मुख भस्त्रिका, यानी कि नासिका से सांस को अंदर भरना है और मुख से सांस को बाहर छोड़ना है। ये हुआ एक प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे हम करते हैं तो शरीर के अंदर थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, लेकिन हृदय के मसल्स को एक्सरसाइज देने के लिए ये जरूरी है। फिर ठंडक कैसे करें, तो उसके लिए है शीतली प्राणायाम। जैसे कि हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, शीतली प्राणायाम में आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैठ जाना है, ध्यान को केंद्रित करना है गले और ऊर्ध्व प्रदेश के बीच में, नासिका से सांस को अंदर भरना है और अपनी जिह्वा की ऐसे पाइप जैसे बनाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। इससे हमारे अंदर शरीर के अंदर ठंडक उत्पन्न होती है और खास करके इस शरद ऋतु में जब पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तभी शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना हमें बहुत ही फायदा पहुंचाता है। शरद ऋतु में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदन प्राणायाम जैसे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आशा करती हूं कि आज हमने जिन योग अभ्यास के बारे में चर्चा की और उसकी निरंतर साधना करते हुए हम सभी तन और मन का श्रेष्ठ स्वास्थ्य पा सके एवं इसका नियमित रूप से अभ्यास करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का आचार्य श्री डॉक्टर हितेश जानी का और आज के अतिथि विशेष जो है श्री गौतम जी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, ओवर टू यू नीलम जी। थैंक यू सो मच हिमांगी जी, बहुत बढ़िया आपने कहा मन स्वस्थता के लिए योग का बहुत महत्व है। वैसे ही हम श्रतम आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर में आयुर्वेद उपचार से लोगों को हमने बहुत ठीक किया है और आगे ये सिद्ध भी हुआ है कि एलोपैथी के कंपैरिजन में जो बहुत सारी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके कंपैरिजन में आयुर्वेदिक दवाओं से जो हमारे पेशेंट्स ठीक होके गए हैं उनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत नहीं हुए और विदिन अ वीक दे हैव कम बैक टू नॉर्मलसी। तो ये भी मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर के ही हेल्थ वॉरियर जो है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मीत फर्दू। डॉक्टर मीत फर्दू ने बीएमएस गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से किया है, जो जानी सर के भी स्टूडेंट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एंड हॉस्पिटल एज अ मेडिकल ऑफिसर काम किया है। इतनी कम उम्र में ऐसी महामारी में शतम में काम, और तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मीत जी को और उनके साथ दो कोरोना पेशेंट्स की सक्सेस स्टोरीज को। नमस्ते सबको, जय धनवंतरी। मैं वैद्य मीत फर्दू बीएमएस फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। सबको नवरात्रि की मैं आपकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं सतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर में नाइट में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ।
अभी सारा विश्व कोरोना नामक वैश्विक आपदा से लड़ रहा है, लेकिन ये वैश्विक आपदा है वो आयुर्वेद के विकास के लिए सर्व स्वर्णिम अवसर बना है। पूरा देश आयुर्वेद के मूल्य को सही पैमाने में जान सका है और इसमें सतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर पूरे देश में एक आदर्श रूप बना है, जहां कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट सिर्फ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ही सही होते हैं। सतम में आयुर्वेद की मदद से जो पेशेंट ट्रीट होते हैं, वो पेशेंट ट्रीट करते समय हमने देखा है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद जो कमजोरी आने लगती है वो बहुत ही कम होती है। न केवल हम मिनरल्स, विटामिन्स और कैल्शियम पर डिपेंडेंट रहते हुए पेशेंट को हम बल्ली औषधि देते हैं, आयुर्वेद की जो बल्ली औषधि है, जिससे पेशेंट को बहुत ही कम कमजोरी महसूस होती है और वो अच्छी तरह से ठीक हो पाते हैं। हमने यहाँ पे इमरजेंसी यानी कि जो श्वास लेने में तकलीफ होना, बुखार आना, ज्यादा बुखार आ जाता है कोरोना के पेशेंट को हो, और सीवियर खांसी आ जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आयुर्वेद मेडिसिन यानी कि सिरप, आसव वरिष्ठ, रस औषधि और कास्ट औषधि दी है, जिसका हमें अप्रतिम रिजल्ट मिला है और पेशेंट को हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाए हैं। और जो पेशेंट ऑक्सीजन पे थे, जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था और ऑक्सीजन देने की जरूरत थी, ऐसे पेशेंट को हमने आयुर्वेद की रस औषधि दी, जिससे उसका पेशेंटों का जो ऑक्सीजन बढ़ा वो स्टेबल ही बढ़ा है, ना कि एक दो दिन के लिए बढ़ा है, लेकिन वो पेशेंट का जो ऑक्सीजन बढ़ा है वो स्टेबल रहा है और उसको ऑक्सीजन से बहुत ही जल्दी छुटकारा हम दे सके है। और जो पेशेंट को मोर्बिड यानी कि बीपी और डायबिटीज वाले थे, उनकी ट्रीटमेंट के दौरान हमने देखा कि जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आते, यानी कि बीपी बढ़ जाना, हेडेक आना जैसे कॉम्प्लिकेशन, या तो डायबिटीज बढ़ जाना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी हमें बहुत ही कम देखने को मिले हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सिद्धि हुई है कि हम पेशेंट को बिना कॉम्प्लिकेशन के ट्रीट कर पाए हैं। और ये बिना कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमारी पूरी टीम, सत्तम आयुर्वेदिक कोविड केयर की पूरी टीम और हमारे चीफ वैद्य हितेश जानी सर और मेरे अपने गुरु हितेश जानी सर का मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ और उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अब मैं जो पेशेंट आयुर्वेद की मदद से जो पेशेंट सत्तम में ट्रीट हुए उनमें से उनके दो पेशेंट को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उसमें से पहले पेशेंट है भावेश गोयल जी, जो राजकोट नागरिक सहकारी बैंक में कार्यरत है और जिसके आयुर्वेद के प्रति अप्रतिम श्रद्धा है। उनका ये वाक्य था कि उनको कुछ भी हो जाए, वो बुखार भी ज्यादा आए और खांसी भी आए, मुझे सिर्फ आयुर्वेद से ही ट्रीट करना है। ऐसे बहुत कम पेशेंट मिलते हैं जिसकी आयुर्वेद के प्रति इतनी श्रद्धा होती है। मैं भावेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य दे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। भावेश जी, ओवर टू यू। नमस्कार, आवाज? हाँ जी जी सर। ओके, मारू नाम भावेश गोयल, मैं सतम कोविड सेंटर में 10 दिवस रहियो हूँ। અરવિંદ ભાઈ મણિયાર જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ ના માધ્યમથી જે ચાલે છે અને મને ખૂબ જ સરસ અને સારો અનુભવ રહ્યો અને હમણાં જ ડોક્ટર મિતે કીધું એ મુજબ વીકનેસ ની જે ફરિયાદો છે હું તો બીજા ઘણા બધા લોકોને મળ્યો રિપેર થયા પછી, હેલ્થ ઓકે થયા પછી, પણ બધા જ લોકોનું હજી હેલ્થ ઓકે નથી રહેતી અને કઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય છે જે कोरोना पॉजिटिव मिले थे अभी 2-3 दिन में, उन सभी से मेरी बातचीत हुई, उन सभी से मेरे जो अनुभव शेयर किया वो उसमें वही था कि अभी भी उनके शरीर में वो उसके वीकनेस वगैरह प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन मुझे आयुर्वेद के कारण कोई वीकनेस कुछ नहीं हुआ। और मेरे को, मैं जब वहां पे था तब मेरे को एक दिन बुखार बहुत हुआ तो मैंने पैरासीटामोल की ना बोल दी थी, मैं तो बोला कि मेरे को पैरासीटामोल नहीं लेनी, मेरे को आयुर्वेदिक की जो भी है वो आप मुझे दीजिए, उसी से मुझे बुखार ठीक कीजिए, और मेरा बुखार उसी से ठीक हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, उनका जो स्वभाव है, उनके साथ मिलन सर आपके जो बोलते, वैसे पता ही नहीं चलता कि आप एक हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ अच्छा है।
और आयुर्वेद में मेरी श्रद्धा इतनी है कि मैंने वहां जाते ही मुझे उसका जो मुझे दी गई दवाएं वगैरह तो उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे शरीर के अंदर जो अभी जो कोरोना के दर्दी दूसरे हॉस्पिटल्स में वगैरह में दवाइयां लेते हैं तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो अभी उतनी ही है, वीकनेस की वगैरह की, खाली इतना ही है कि उसको नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं, और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी भावेश जी, थैंक यू भावेश जी, आपका खूब खूब शुक्रिया। हमारे दूसरे पेशेंट है आकांक्षा त्रिवेदी, जो बिजनेस टीचिंग वुमन है और वो भी यहाँ पे आयुर्वेद की मदद से ट्रीट हुए हैं। ओवर टू यू आकांक्षा जी। सबको मेरा नमस्ते और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई तो उसके बाद फिर मुझे ये पेट्रिया में शतम आयुर्वेदिक के सेंटर के इनके बारे में पता चला, जहाँ फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा, क्योंकि आइसोलेशन में रहना था। एट दैट टाइम ब्रीथिंग इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रही थी और बहुत डर था कोविड के रिलेशन में, क्योंकि फैमिली में उससे पहले कोई इन्फेक्टेड हुआ नहीं था। तो मींस आप फिजिकली तो इल थे ही थे, साथ में मेंटली भी बहुत इल हो जाता है इंसान, बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। एट दैट टाइम जब मैं वहां पर गई, बहुत डर था क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो कोई था नहीं, आप जाते हो और बाद में आपको अलग पेशेंट्स मिलते हैं, आपको उनके साथ ही रहना होता है, एडमिट करना होता है। तो जब इनिशियली गई थी तो बहुत डर था, बट वहां पे डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थे एंड वो 4 to 5 times आपको आते हैं चेक करने के लिए, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एंकरेज करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं बाय टॉकिंग, आपके फियर्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, आपको जिस भी चीज का रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें देते हैं। तो मेरा सबसे पहला फियर यही था, क्योंकि मुझे ब्रीथिंग इशू था कि ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है या नहीं है, रात में एकदम से ऑक्सीजन कम हुआ तो मैं किसको कॉल करूंगी, किसको बुलाऊंगी। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ शतम आयुर्वेदिक सेंटर कि उनके डॉक्टर्स फुल टाइम वहां पर अवेलेबल थे, रात में भी डॉक्टर तुरंत आ जाएगा, आपको जो भी मेडिकेशन चाहिए या ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत है वो सब कुछ वहां पर अवेलेबल था। मैंने जब ये मैं जब शतम में मैं पेट्रिया में जाके जब शतम के आयुर्वेदिक सेंटर में एडमिट हुई थी, मीन्स वहां पर मैं गई थी, तो वो इनिशियल डेज ही थे, तभी वो नया नया शुरू हुआ था। उसके बावजूद दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग, उनके पास सारी चीजें थी, वो बहुत अच्छे से टैकल कर रहे थे और आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी भी दी गई, दूध में मिला करके मुझे पाउडर दिया गया इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आपको फिजिकली हील करने के लिए और वीकनेस वगैरह, ये सब चीजें आप तो जब मैं डिस्चार्ज भी हो गई उसके बाद भी ये सारी चीजें बहुत कम थी। तो मींस ओवरऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन ने बहुत अच्छे से काम किया, मैं ये बोल सकती हूँ। डॉक्टर्स बहुत अच्छे से ट्रीट किए, बहुत अच्छे से मिले, और लोगों ने जो स्पेशल फूड सप्लाई कराया था फॉर द पेशेंट गुड डाइजेशन के लिए वो भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा योगा क्लासेस, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी, इट्स अ गुड थिंग कि आपके माइंड को वो अलग चीजों पे डाइवर्ट करवा रहे थे ताकि आप कोविड के बारे में ना सोचे, बाकी पॉजिटिव चीजों पे फोकस हो सके। तो ये सारी एक्टिविटीज जो उन्होंने कराई या जो भी कार्ड या बाकी मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड करी वो काफी अच्छी थी, उन्होंने बहुत तेजी से रिकवर कराया और मैं अच्छी खासी कोविड पॉजिटिव थी एंड विद इन अ वीक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और एक हफ्ते के बाद आई एम रेडी टू डिस्चार्ज, जबकि मैं उनकी इनिशियल पेशेंट ही थी। तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सारी चीजें बहुत अच्छे से हुई और उनके पाउडर्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं तो लिटरली अप्रिशिएट ही करूंगी कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छे से डील किया। और मैंने बाकी मेरे कुछ और भी रिलेटिव जो बाद में पॉजिटिव हुए उन्हें भी मैंने यही सजेस्ट किया कि वो वहीं पर जाएं और वो भी अभी ट्रीट होकर के वापस आ गए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छे से डील किया, डर को दूर किया। और सबसे बड़ी चीज ये कि कोविड को लेकर के जो लोगों का बहुत डर है, वहां पर डॉक्टर साहब से इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि वो फियर अपने आप ही कम होने लगता है। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, हैप्पी हैं, जॉली हैं, आपको हर समय एंकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप डरो मत, वी आर देयर फॉर यू। तो ये टेंडेंसी जो थी शतम के डॉक्टर्स की और शतम पूरे सेंटर के सारे लोगों की वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल थी कि दे आर जस्ट हैविंग दैट थॉट दैट वी आर हेयर फॉर यू ओनली, सो यू डोंट वरी, यू जस्ट गेट रिलैक्स, इफ एनीथिंग गोइंग टू बी हैपेंड वी आर हेयर टू मैनेज। तो ये स्ट्रेटेजी और ये जो स्टेटमेंट थे वो बहुत ही एंकरेज और एंथुजियास वाले थे, जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट आप अभी भी जो कर रहे हैं, आप ये जो नवरात्रि के थ्रू आप सब देवी माँ के बारे में और आयुर्वेद के बारे में जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें लोगों के लिए बहुत ही वर्थफुल रहेंगी। और यस, हाँ, आयुर्वेद ने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है, मैं अभी प्रॉपरली फिट हूँ। थैंक यू
तो मैं तो थैंक्स ही बोलूंगी सबको, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब पॉजिटिव हो के पॉजिटिव को नेगेटिव करना, ये ध्येय शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर का है। और ये हमारा जो मोटो है कि हम दो सक्सेस स्टोरीज को रोज नवरात्रि सत्र में इनवाइट करते हैं, इसका यही ध्येय है कि पोस्ट कोविड का उनका एक्सपीरियंसेस और आयुर्वेद हमारा जो प्राचीन शास्त्र है वो किस तरह से उनको मदद रूप रहा, तो दूसरों को वो प्रेरणा रूप रह सके। तो आज की सक्सेस स्टोरी सुनकर शतम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर की टीम के प्रति गर्व होता है और यह आयुर्वेदिक उपचार से कोरोना से जीत पाने का श्रेय एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है डॉक्टर हितेश सर, उनके बिना मुमकिन ही नहीं था। तो प्लीज टेल अबाउट पोस्ट कोविड केयर टू एवरीवन। हमारे अगले वक्ता जो हैं वो है डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी। अभी तक उन्होंने जो शरद ऋतु की स्पेशल पिच शामक आयुर्वेद गुण संपन्न लौकी की स्वादिष्ट हलवा पटोल अवलेहम ओदानम पायस के बारे में सुना तो सही हमने, तो आइए आज सुनते हैं उनकी स्पेशल रेसिपी मालपुआ, उसके गुणों के बारे में। ओवर टू यू डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी। नमस्कार, जय धन्वंतरी। थैंक यू नीलम। आज हमारा नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ का स्वरूप यानी कि कुष्मांडा का स्वरूप, जो माँ को मालपुआ का प्रसाद अगर धराया जाए तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। तो आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ मालपुआ, लेकिन वो है आयुर्वेदिक मालपुआ यानी कि श्रृंगाटक मालपुआ। में इसकी विशेषता है कि उसमें जो प्रयुक्त होने वाला द्रव्य है वो बहुत ही विशेष है। इसकी सामग्री में सिंघाड़ा का लोट है, सिंघाड़ा का आटा है, मिश्री है, काऊ मिल्क है, काऊ घी है, इलायची है, किशमिश है, ये एवं केसी जो काजू का पाउडर है। ये मालपुआ हम उपवास में भी ले सकते हैं। सिंघाड़ा इस ऋतु में बहुत सारी जगह पे, इसके जो काले काले जो फल होते हैं बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, हम लोग खाते भी हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू है आयुर्वेद की दृष्टि से वो हम कभी नहीं जानते हैं। उपवास में भी सिंघाड़ा का जो आटा है उसकी वांगियां हम खाते हैं, लेकिन क्यों खाते हैं वो हमें मालूम नहीं है। अगर इसके बारे में अगर बोला जाए तो जो सिंघाड़ा होता है वो एक शीतल है, शीतल मतलब शीत है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। मधुर है यानी कि स्वीट है, हमें भाता है, अच्छा लगता है। गुरु है यानी कि भारी है, थोड़ा खाते ही हमारा पेट भर जाता है एवं पीत एवं दाह को वो कम करता है। और इसकी अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए तो उसमें प्रोटीन 4.7% है, फैट 0.3% है, कार्बोहाइड्रेट 23.3% है, मिनरल्स उसमें 1.1% है, एवं उसमें सोडियम पोटेशियम आयोडीन फॉस्फोरस कैल्शियम एवं आयन है। इसका अगर इसका आयुर्वेद की भाषा में अगर बोला जाए तो इसका जो मेनली उपयोग होता है जो रोगों में वो होता है शुक्र दौर्बल्य में, खास तो मेल इनफर्टिलिटी पुरुष वंध्यत्व, जहाँ पे जो शुक्र में एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया जहाँ शुक्राणु भी नहीं होते या तो कम होते, उसमें इसका उपयोग करने से बहुत ही फायदा मिलता है। एवं गर्भावस्था दरमियान बहुत सारी लेडीज को 2 या 3 महीने में ही गर्भ निकल जाता है, जिसको आयुर्वेद में गर्भस्राव गर्भपात कहते हैं, और हैबिचुअल एबॉर्शन थ्रेटन एबॉर्शन बोलते हैं। अब अलग अलग भाषा में ऐसे बोलता है कि बच्चा छोड़ हो गया, बच्चा गिर गया, तो उसमें इसके व्यंजन और ये मालपुआ खाने से या तो इसकी राब पीने से इसमें बहुत ही फायदा होता है, और इसीलिए इसको रक्त स्तंभक भी बोला गया है। कहीं से भी ब्लीडिंग होता है, जैसे पाइल्स में होता है, फिसल्स में होता है, नाक में से जैसे एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक में से ब्लीडिंग होता है, मुंह में से निकलता है, तो जहां जहां कहीं भी ब्लीडिंग निकलता है तो उसमें इसका प्रयोग
करने से ब्लीडिंग कम हो जाता है और उसको फायदा होता है। एवं स्त्रियों में जब बच्चा होता है तब आजकल बहुत ही देखा जाता है कि स्तन्य ही नहीं आता है, तो ये है वो लैक्टेशन बढ़ाता है, स्तन्य को बढ़ाता है, इसका सीधा बनाने से, इसका मालपुआ बनाने से, इसकी राब बनाने, ये सब लेने से लैक्टेशन का जो प्रॉब्लम रहता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें लैक्टेशन बढ़ता है और इसी वजह से वो जो नया शिशु आया है, नव बच्चा है, उसका भी पोषण बहुत ही अच्छी तरह से होता है। कुल मिला के जो ये मालपुआ है इसमें होने यूज करने वाले जो द्रव्य है इसमें मिश्री है, आगे भी हमने बताया कि मिश्री है वो पीत को कम करता है और बहुत शीतल है, बहुत ही गुणकारी है और साथ में यूज होने वाले गोदुग्ध गोघृत वो बहुत ही जीवनी है, जीत रुधि स्मृति को बढ़ाने वाले है, एवं उसमें यूज होने वाली किशमिश यानी कि मुन्नक का वो भी बहुत शीत विधि है और पीत को कम करने वाली है। कुल मिला के ये श्रृंगाटक यानी कि सिंगोड़ा, आयुर्वेद में संस्कृत में उसे श्रृंगाटक बोलते हैं, तो ये कुल मिला के ये जो मालपुआ है बहुत ही पौष्टिक है एवं शरद ऋतु में भी माता बोलते हैं, लेकिन ये सब लेने से आयुर्वेद में जो जो बताए हुए शरद ऋतु में पालन करने से ये ऋतु स्वास्थ्य की माता बन रहे हैं। आप सब खुश रहे, आपकी इम्यूनिटी बढ़े रहे और ऐसे आज हमें बहुत ही आनंद होता है कि डॉक्टर हितेश भाई खत्म कोविड के सेंटर चला रहे हैं और जो जो पेशेंट आते हैं अपनी बात बताते हैं तो हमें बहुत ही गर्व होता है कि आयुर्वेद से इतना अच्छा परिणाम मिलता है। आप सब स्वस्थ रहे, आयुर्वेद अपनाए और स्वस्थ रहे। थैंक यू नीलम। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रज्ञा जी। तो हम ऋतु को देखकर ऋतु के हिसाब से आयुर्वेद अपना डाइट देता है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लोक आयुर्वेद ने फैलाया है और गुजरात टूरिज्म ने इसमें इंटरेस्ट दिखी। राजकोट में शरद ऋतु वाली आयुर्वेद की थाली, उस कॉन्सेप्ट को भी हमने पेशेंट्स वहां पे लोगों को दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में गाय तो ऐसे ही माता की उपमा नहीं दी गई है, ऐसी उपयोगी धरोहर के विशिष्ट गौ विज्ञान के कुछ अनसुने सच, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर हितेश सर से। डॉक्टर हितेश सर जी, आप जब पेशेंट की चर्चा कर रहे थे उसमें एक बताया गया आकांक्षा बेन ने, तो भाई हम दूध में कुछ मिला के पीते थे, वो था पंचगव्य। ये पूरा पंचगव्य का प्रोटोकॉल ही मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल का विषय बना है। ये पंचगव्य से हम यहाँ ट्रीट करते हैं। पंचगव्य और आयुर्वेद अलग नहीं है, लेकिन गाय माता के दूध दही घी छाछ मक्खन से उसका घी बनता है एक पंचगव्य घृत, फिर उसको हमने डिहाइड्रेट कर दिया और लोगों को पंचगव्य शब्द यानी पता नहीं, कोई पंचकर्मा बोलते हैं, कोई पंचगव्य बोलते हैं, कोई पंचतंत्र बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये पंचगव्य गव्य यानी गाय से मिला हुआ पांच पदार्थ और उसका कॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं पंचगव्य। तो ये गाय के पंचगव्य का ही प्रोटोकॉल यूपी में, महाराष्ट्र में या गुजरात में दो सेंटर है, तो ऐसा हमारा ये पंचगव्य प्रोटोकॉल से कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं। बाकी भी आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन मेन जो हमारा की पॉइंट है, जैसे लोगों को आप जो जो आप डेली पेशेंट पूछते हैं बताते हैं कि हमें थकान नहीं लगी 7 दिन में 10 दिन में, जैसे अभी आकांक्षा बहन ने बताया कि मैं 7 दिन में ठीक हो गई, तो कैसे हो गई? क्योंकि ये जो बड़ी इम्यूनिटी का एक की पॉइंट है हमारे पास, जो हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमने यहाँ उपयोग किया था, तो ये पूरे देश को एक नया विषय राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के माध्यम से मिला। तो गाय का पंचगव्य यहाँ उपयोग किया गया था। तो गाय को हम माता क्यों कहते हैं, गाय को कामधेनु क्यों कहते हैं, तो पंचगव्य, और लेकिन हमारे वैद्य भी बहुत जानते हैं पंचगव्य को, लेकिन सामान्य समाज को ये फैलाने के लिए आपके सामने विषय रखा गया। दूसरा, पंचगव्य के उपरांत गाय माता और भी कुछ देती है, उसको कहते हैं पंच उपगव्य। तो गोफेन, जब गाय जुगाली करती है, जब गाय अपना चारा खाने के बाद फिर बैठ के, उसको कहते हैं जुगाली। तो जुगाली करते करते मुंह से कुछ जाग फैन फॉग निकलता है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो सिर्फ ऐसा फॉर्म नहीं है,
वो जो है वो उसके लिए शास्त्रों ने बताया कि वो वास्तु दोष नाशक है। जहां जहां गाय बैठ के जुगाली करती है उस जमीन का उस जगह का वास्तु दोष नाश होता है। गाय के जो लोम है, गाय के जो बाल है, खास करके जो गोपुच्छ है, जो आप जानते हैं कि जितने भी भगवान कृष्ण को चर्म का वो का किया जाता है, सेवा की जाती है, और कोई भी भगवान को हम चामर से उसको इसको चामर का विंजना गुजराती में हम बोलते हैं, तो चर्म का जो पवन डाला जाता है क्योंकि वो उसमें एक ऐसी विशिष्ट क्वालिटी है कि आजू बाजू उसके एनवायरमेंट से जो बैक्टीरिया है वायरस को भगा देता है। और आप देखते हैं कभी जैन साधु है, कोई भी साधु है, तो वो सफेद गाय का जो सफेद पुच्छ होता है वो स्पेसिफिक लगे उसको ये गो हेयर भी काउ हेयर भी बोलते हैं। गो की जो गाय की जो खुर है, हुफ है, वो भी बड़ी चीज है। अभी अभी दो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि जहां गाय जाती है चलती है तो वहां की धूल में भी परिवर्तन आता है। और अभी हॉपकिन इंस्टीट्यूट ने उसमें से एक एंटीबॉडीज डेवलप किया है जो कोरोना के सामने लड़ेगा। तो वो गोखुर हम तो वो जानते ही थे कि जब शादी का समय होता है तब हम गोधुली का समय यूज करते थे कि भाई उस समय गाय के खुर से जो जमीन की धूल उड़ेगी और होता है कोई वायरस हमको आता ही नहीं। उसी तरह से गाय का सिंग, उसका बहुत बड़ा सिंग खाद बनता है और वो इतना एक गाय के सिंग अगर जो गाय का जब समाधि होती है, गाय का देहांत होता है, उसके बाद भी एक गाय के सिंग में से आप एक हेक्टर जमीन में आप उसको नवसाध्य कर सकते हैं, उसमें इतना मिनरल्स होते हैं। उसी तरह से गोपीत जिसको गोरोचन कहते हैं आयुर्वेदाचार्य, काउ का जो लिवर है उसमें जो बिलियरी जो ग्लैंड है खास करके जिसको हम गोल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, कभी कभी वो गाय में वो पित्ताशय जो मिलता है, तो इसका एक केजी अगर मिला तो उसका गाय माता के देहांत के बाद 75,000 रुपया केजी का है और वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए और बहुत सी चीजों में काम में आता है। विषय को बहुत ना ज्यादा मैं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, फिर भी पंचगव्य और ये पंच उपगव्य है, गाय का एक एक चीज के बारे में अलौकिक है, इसलिए हमने उसको काम देनु या उसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास बोला। तो आज कुछ इतनी जानकारी के साथ मैं आगे बढ़ने के लिए नीलम को बताता हूँ। ओवर टू नीलम। धन्यवाद सर। मनुष्य स्वयं से ही अभी जूझ रहा है तो नेचुरल है ऐसे विशेष ज्ञान से आज का युग भी वंचित होगा। कोरोना मेरे लिए तो ये नवरात्र में वरदान रूप साबित हुआ है कि ऐसी वाणी रोज सर के द्वारा सुनने मिलती है। थैंक यू सो मच सर। अगली शरद और शिक्षा विशारद का अभ्यास किया है और शरद ऋतु का स्पेशल राग काफी थाट का राग जो है भीम पलासी, उस राग की स्पेशलिटी है कि वो शांत और गंभीर भी है। यह डिप्रेशन के रोगियों के लिए रामबाण जैसे इलाज करता है, मनस्वस्थता के लिए बहुत उपयोगी और सूर्यास्त के वक्त स्पेशली सुनने में से शोक, ग्लानि, दुख, निराशा हो उसको दूर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित भूमि जी की आवाज में कुछ गीत। ओवर टू यू भूमि जी। नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। आज मैं आपको भीमपला से राग पर आधारित एक कृष्ण भक्ति पर आधारित है भीमपला से राग की बंदिश जो 3 ताल पर गाई जाती है वो सुनाऊंगी। Thank you.
शरीर चमा तो नर अजमान शरीर अजमान शरीर अजमान शरीर चमा। अभी एक और गाना जो फिल्म मेरा साया से है, जो भी विमला से राग पर आधारित है, वो मैं सुनाऊंगी आज आपको। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं फिल्मों के जो विमला से राग पर आधारित है, पर अभी अपने पास समय की मर्यादा है तो एक पर आधारित मेरा साया फिल्म का सुनाऊंगी। Hello. Yeah. Thank you, Bhumi ji, for the wonderful song on Bheem Palasi Raag. तो ये समारोह की शोभा बढ़ाने आज के विशेषज्ञ अतिथि को आगे सुनते हैं। उससे पहले जरूर मैं एक सूचना फिर से रिपीट करना चाहूंगी। किसी को भी इस सत्र के बारे में या कुछ भी लोक आयुर्वेद के बारे में प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में या यूट्यूब पर जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लाइव बता सकते हैं। हम एंड ऑफ द सेशन में Q&A रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज के स्पेशल NGO है जैविक बाजार ऑनलाइन स्टोर। श्री धवल विराम गामा जी जैविक बाजार नामक संस्था की स्थापना की है। स्वस्थ भारत निर्माण का सपना जैविक बाजार पिछले 5 सालों से कार्यरत है। जैविक बाजार किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए बढ़ावा दे रहा है। जैविक बाजार का मुख्य लक्ष्य किसानों को सीधे उपभोक्ता से जोड़कर प्रत्येक भारतीय को उनके घर पर स्वस्थ प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध करवाने का काम करता है। जैविक बाजार दैट इज उनकी ऑनलाइन स्टोर है jaivikbazaar.com वैसे चला रहे हैं, जिसमें किसान या छोटे ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने वाले स्टोर अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो आइए अगला सुनते हैं धवल भाई जी को जैविक बाजार की और विशेषता के बारे में। जी नमस्ते। नवरात्रि की सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लोक आयुर्वेद टीम का, डॉक्टर रितेश भाई जानी जी का और श्याम प्रिया जी का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और आप सभी के साथ जुड़ने का एक मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिला। मेरा नाम धवल विराम गामा है, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मैं जैविक बाजार नामक संस्था की
स्थापना कुछ 4-5 साल पहले की थी। मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते ये भली बाती समझ पा रहा था कि किसान जो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक अपना उत्पादन बढ़ाने के लोभ से खेतों में डाल रहे उसका कितना बुरा प्रभाव इस देश के जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उनकी जमीन बंजर तो हो ही रही है, साथ में हमारे देश के जो नई यंग जनरेशन है सब पे इसके स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि जो रसायन के दुष्प्रभाव के कारण हमारी जो बहुत ही फर्टाइल जमीन मानी जाती थी, एक समय में सोना की चिड़िया कहा जाता था देश को, क्योंकि हमारा देश पहले से ही खेती प्रधान देश है। हमारी जमीन नेचुरली काफी फर्टाइल है, यहाँ की जमीन, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो वेदर कंडीशन है वो काफी बढ़िया है अदर देशों के मुकाबले में। और इस जो रासायनिक उर्वरक हमने किसानों ने डालना शुरू किया, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक जीवात्म हमारे जमीन में थे वो नष्ट हो गए उस केमिकल प्रभाव के कारण। और वो प्राकृतिक जीवात्म नष्ट होने की वजह से जो प्राकृतिक फलद्रुपता हमारे जमीन की थी वो भी समाप्त हो गई। जो जीवात्म जो रहता है जमीन में उसकी वजह से जो प्राकृतिक फलद्रुपता बनी रहती है हमारे जमीन की वो नष्ट हो गई। जमीन एक तरीके से जैसे कहेंगे कि जीवहीन हो गई, ठोस हो गई, और उसका जिसकी वजह से हमारे जो पोषक तत्व, जो हमारे जमीन के अंदर जो पोषक तत्व थे, हमारी जमीन जीवित थी जो एक तरीके से बोल सकते हैं मर गई, ठोस हो गई, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व हमारी जमीन में थे वो खत्म हो गए। अगर जमीन में पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो छोड़ में कहाँ से आएंगे? अगर छोड़ में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं आ पाएंगे तो हमारे खाने में कहाँ से आएंगे? जिसकी वजह से आज हमारे शरीर में हम नॉर्मल लाइफ में हर एक को सुनने को मिलता है कि मुझे इस विटामिन की कमी है, मुझे B12 की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, जिसकी वजह से हमारे सबके शरीर में कुछ ना कुछ विटामिन की आजकल उनक देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पे भी पड़ा है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो गई है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इन सब में देखा जाए तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी प्रकार के रोगों के सामने हमारे शरीर को टिकाए रखने में, हमारे शरीर के अंदर उसके सामने फाइट करने के लिए सक्षम थी। लेकिन अगर जैसे देखा जाए कि सैनिकों को बिना हथियारों के लड़ने को भेज दिया जाए तो वो कभी जंग जीत नहीं पाएंगे, तो वैसे ही हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के साथ हो गए। अगर हमारे शरीर में भरपूर विटामिन मिनरल्स अगर नहीं रहेंगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डिजीज के सामने फाइट करने के लिए जो एक तरीके से बोला जाए तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति खुद ही एक मेडिसिन बनाती है हमारे शरीर के अंदर ये सब मिनरल्स और विटामिन का यूज करके। जबकि अगर हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन सी नहीं रहेंगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति भी बिना हथियार के सैनिक जैसी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी बहुत ही कम एज पे हम पे अटैक करे, जैसे बाई बर्थ लोगों को कैंसर हो रहे है, डायबिटीज आजकल नॉर्मल हो गई है, BP नॉर्मल हो गया, बहुत ही कम एज में 30-35-40 की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। तो अगर हम इस ये केमिकल वर्ल्ड में अगर बोला जाए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको ऐसा खुराक चाहिए होगा, ऐसा अन्न चाहिए होगा जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमको नेचुरल तरीके से उगाए हुए फूड में ही मिल सकता है, जो ऑर्गेनिक वे या हम बोलेंगे नेचुरल वे से हमारी जो पारंपरिक परागत गौ आधारित जो कृषि पद्धति थी इनसे उगाए हुए खुराक से ही मिल सकता है। तो स्वस्थ भारत के स्वप्न को लेकर जैविक बाजार पिछले पांच सालों से कार्यरत है और किसानों को नेचुरल फार्मिंग, गाय आधारित फार्मिंग के लिए प्रमोट कर रहा है। और जैविक बाजार का मुख्य लक्ष्य है कि किसानों को सीधे
वो तक कैसे जोड़ा जाए ताकि जो डिमांड है वहां तक हमारे जो नेचुरल उत्पादन है उसको पहुंचाया जाए। इसके लिए जैविक बाजार ने jaivikbazaar.com नाम से ऑनलाइन स्टोर भी चला रहा है जिसपे डायरेक्टली छोटे किसान और छोटे जो स्टोर से जो काफी छोटे छोटे काफी स्टोर से वो सब ऑनलाइन इसमें जैविक बाजार पे आके रजिस्टर्ड होकर सीधे उपभोक्ताओं तक अपना उत्पादन पहुंचा सकता है और इसमें डायरेक्टली जो भी ऑर्डर्स जो हमारे कस्टमर जो ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस करते हैं jaivikbazaar.com पर सीधा ही हमारे स्टोर और किसानों को डायरेक्ट मैसेज एंड ईमेल थ्रू पहुंचता है। और वही डॉल भाई आप अपना वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए आपकी माहिती, समय की पाबंदी की वजह से और दूसरे का रखना है इसलिए आपका जो भी है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सबको पता चल जाए ठीक है आपका जो माहिती है। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद धवल जी। जैसे कल अपने परिवार जनों की सेवा कैसे करें और उसके साथ पादभ्यंग के साथ कैसे करें, वैसे हमने सर के साथ सुना था, तो रोग मुक्त स्वस्थ ऐसी सही जीवन शैली के बारे में आज फिर से कुछ डॉक्टर हितेश जानी से सुनते हैं। ओवर टू डॉक्टर हितेश जानी जी। जी सर, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, दिख रहा है? तो आज का जो विषय है वो है अंजन। अंजन यानी आंख में काजल लगाना। अगर ये काजल जब तक लगता था तब तक इतने चश्मे इतने ग्लासेस नहीं थे। बेहतर दृष्टि के लिए अंजन खूब जरूरी है, वो दिनचर्या का पार्ट है। चक्षुष तेजोमयम श्लेष्मनो विशेषतः भयम्, शास्त्रों ने बताया कि भाई आंख को मोतियाबिंद तभी आएगा जब आप आंख की ध्यान नहीं रखोगे। घर में बनाने का पहले तो तरीका था ही, देखो एक पीतल के दिए गाय के घी का दिया जलता है दोनों, और कुछ हम उसको सपोर्ट रख के ऊपर एक तांबे का पात्र रखा है और उसमें वो काजल आ जाएगा, फिर उसको गाय के घी के साथ मिक्स करके घर में ही आप बना के आपकी चश्मा आपका ग्लासेस आप बचा सकते हो, आपके छोटे बच्चों के जो आज ग्लासेस आ रहे हैं और आप मोतिया बिंदु से आप बच सकते हो। एक छोटी सी बात आपको हमने बताई, वो कैसे अंदर जाता है, ज्यादा तो समय नहीं इसलिए मैं साइंटिफिक उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक छोटी आज दिनचर्या की बात आपके सामने रखी। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है तो आंख को बचाना वो खूब जरूरी है, आप करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश गौतम जी हैं जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आरोग्य भारती मुख्यालय नागपुर से जुड़े हैं। 2010 से 2016 तक आरोग्य भारती के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। 1984 से 1994 तक दीनदयाल शोध संस्थान में कार्य किया है। भारत रत्न श्रद्धेय नानाजी देशमुख के सानिध्य में रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सेवक प्रमुख भाग संचालक उन्होंने किया है, तो मैं से उनसे निकलूंगी अपने आशीर्वचनों से हमें बोध करें। ओवर टू डॉक्टर रमेश गौतम जी। रमेश, नवरात्रि के पावन अवसर पर मंगल पर्व पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस लोकायुर के सृष्टा धर्ता डॉक्टर हितेश जानी वे हमारे सहयोगी हैं, मेरे परम मित्र हैं और ये सारी पूरी लोकायुक्त की टीम, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मैं देख रहा हूं पिछले एक घंटे से लगातार विभिन्न प्रकार से विभिन्न छटाओं को, अपने जीवन के विभिन्न छटाओं को यहाँ प्रस्तुत किया
जिसके अंदर में आयुर्वेद का ज्ञान, दैनंदिन जीवन, दिनचर्या से संबंधित बातें, गौ माता के बारे में, पंचगव्य के बारे में जानकारी, मुझे लगता है कि, और फिर वह सुमधुर संगीत, तो मुझे लगता है कि इतनी विविधता किसी कार्यक्रम में हो सकती है ये मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। और इसके कारण से इतने सुंदर कार्यक्रम के बारे में आप जो रोज हो रहा है 9 दिन के लिए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे भी हमारी जो भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा, उसके अंदर में नवरात्र का बहुत ही विशेष महत्व है। आप जानते हैं सभी लोग कि हमारे श्रद्धेय प्रधान नरेंद्र मोदी जी 9 दिन के लिए पूरा उपवास करते हैं, केवल पानी पीते हैं। बीच में जब वे अमेरिका गए थे तो वहां पर भी वे, उन्होंने कुछ खाया नहीं, केवल पानी पिया। तो इस ढंग का व्रत करने वाले, तो मूल रूप से नवरात्रि में मूल भूमिका है कि हम संयमित रहे, संयम का विचार करें। कई बार हम प्रवाह के अंदर में उसको केवल रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नवरात्रि का उपयोग करते हैं। तो रंजन तो होना ही चाहिए, मनुष्य मनोरंजन यह मनुष्य के जीवन का आनंद यही है, लेकिन उसके साथ में ही तपश्चर्या भी आवश्यक है। और तपश्चर्या है जीवन में संयम को स्थान देना, क्योंकि संयम के सिवा अन्य बातों का फिर महत्व नहीं रह जाता। कई बार हम इस प्रवाह में बह जाते हैं। एक नवरात्रि की विशेषता जो अन्य अनेक विशेषताओं को अभी आप लोगों ने सम्मुख रखा और रखते जा रहे हैं, उसमें है कि नवरात्रि में एक हम कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। पूरे देश में यह परंपरा पद्धति है। देवी के बारे में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो देवी का स्वरूप है उसको नमस्कार कर देने से केवल पर्याप्त नहीं है, या फिर उसके विभिन्न रूप है, उसके फल है, उसके वृक्ष है, यहाँ तक के नहीं है। मूलतः यह देवी स्वरूप है, वो हमारे हर, विशेष रूप से हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माता हैं, हमारा पूरा यह जो हमारा स्त्री जगत है, जो हमारी मातृशक्ति है, उसके स्मरण के लिए, उसके पूजन के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए है। और इसके कारण से उस मातृसत्ता को संस्थापित करना, यह भी नवरात्रि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हम जब पड़ोस की बेटी को घर को बुलाते हैं, उसके चरण धोते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको भोजन करवाते हैं, क्या सोच ऐसी कि पड़ोस की बेटी या हमारे यहाँ की बेटी जो है वो हमारे लिए देवी समान है, और उस पर कोई भी आघात होना, उसके साथ कोई भी अन्याय होना, उसके साथ में कोई भी अत्याचार होना, यह हमारे का नहीं है। हम उसका संरक्षण करेंगे, हम उसका संवर्धन करेंगे, हम उसको उसकी प्रतिष्ठा को संस्थापित करेंगे। वो है करके सृष्टि है, वो है करके हम है, उसके कारण से ही यह सारा, एक प्रकार से उस मातृत्व के कारण से ही ये सारी सृष्टि है। तो इस भूमिका को भी लेकर नवरात्रि में हमने विचार करना चाहिए। और उस भूमिका को लेकर हम कैसा विचार करते हैं, उस भूमिका को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जब सार्वत्रिक रूप से हमारी बेटियों के बारे में एक असुरक्षितता का भाव बढ़ा है, हमारे बेटियों के बारे में जहाँ वहाँ एक प्रकार से उन पर हो रहे हैं अत्याचार के बारे में हर प्रांत में बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, और हमारे मन में भी कहीं ना कहीं तो भी कुछ जरूर ऐसा कमी भाव है कि बेटियां बोलो तो बोलने के लिए होता है, लेकिन वास्तव में पुत्र की ज्यादा इच्छा मन में रहती है। मैं हितेश भाई की बेटी को जानता हूँ, एक बेटी है, लेकिन वो तो उनके लिए सारा आंखों पर है, वो तो यात्री है वो तो कहने का मतलब है कि इस भूमिका से हमारे बेटी को देखकर मन में आह्लाद हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना, और केवल प्रफुल्लित नहीं होना, देवी के रूप में उसको अनुभव करना, वो है तो आने वाली पीढ़ी है, वो है तो आने वाली ये है, इसलिए उसको सुरक्षित करना, उसको संस्कारित करना, उसको सुशिक्षित करना, उसको सभी दृष्टिकोण से ठीक करना, ये हमारी संस्कृति है।
यानी जिसको कहेंगे कि हर पर स्त्री को माता समान मानना, यह धीरे धीरे संस्कार समाज में पहुंचे। मैंने जैसे शुरू में बताया कि कई बार कई महोत्सवों का वास्तव में हम उसका महात्म्य भूल जाते हैं, और फिर वो थोड़े से मनोरंजन के कारण से, हल्केपन के कारण से कई बार विकृतियां आती है। ये दोष हमारे जीवन में न आए, हमारे व्यवहार में न आए, हमारे परंपराओं में न आए, इसका भी ध्यान हमको रखना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आयु में थोड़ा सा बड़ा होने के कारण से मुझे ऐसी बातें करने की एक आदत सी हो गई है। नितेश जी ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सुना, मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए और माता के चरणों में अपनी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी, हम कृतार्थ हुए आपके शब्दों को सुनकर। और आज के काल में ये समझ में जरूर आता है कि संयम का कितना महत्व है। संयम जरूर होना चाहिए और बेटियां भी इक्वल होती हैं, स्त्री पुरुष सब इक्वल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर जानी जी से, इस नवरात्र को आज उनके मंत्र प्रसाद से पावन करें और उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस अगर होंगे तो हम लेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चंस चैट बॉक्स में नहीं आए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। मैं मंत्र प्रसाद देने के लिए आऊं उससे पहले मैं एक परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे बीच में शोभा राहुल करके हमारे एक आयुर्वेद की देवी है, अगर शोभा जी स्क्रीन पे ऊपर आ सकती है तो सबको नमस्कार करिए। वो आयुर्वेद आचार्य है, मुंबई की महापौर थी, तो आपको बहुत स्वागत है शोभा जी। मुंबई की वो मेयर थी और मुझे तो गौरव ये है कि वो आयुर्वेद आचार्य है और उनका बहुत रुचि का विषय है पीएचडी का टॉपिक, तो पंचगव्य में वो काम कर रही है, मेरे साथ बहुत संबंध से जुड़ी है। और मैं शोभा जी आपका स्वागत करता हूँ। इन सबको परिचय इसलिए मैं करवाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की ऐसी एक मनीषी है जो पॉलिटिकल फील्ड में भी इतनी आगे है और वो आयुर्वेद को भी और पंचकव्य को भी इतना प्यार करती है, तो दोनों संतुलन आपने बनाए रखा है। तो शोभा जी आपका स्वागत है, आप जरा स्क्रीन पे आके सर आपका स्क्रीन एक बार बंद करेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर सकती हूँ। हाँ, तो आप उसको स्पॉटलाइट में वो करिए आपका स्क्रीन प्रेजेंटेशन। हाँ, मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। धन्यवाद जी, प्लीज आपके। हाँ नमस्ते शोभा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम देखकर, क्योंकि ये आपने पूरी तरह से यानी सभी बातों को इसमें इन्वॉल्व किया है, यानी चाहे खाने की चीज हो, जैसे बताया मालपुआ के बारे में बताया, आपसे भी मैंने पंचगव्य और पंच उपगव्य के बारे में सुना। तो दिस इज द वेरी यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, रियली आई एंजॉयड इट। और आज कुष्मांड के बारे में भी बहुत सारी बातें मालूम की, तो धन्यवाद है डॉक्टर हितेश जानी जी, क्योंकि मैं हमेशा आपको फॉलो करती हूँ, आपके बारे में बहुत सुनती हूँ और आपके यूट्यूब वीडियो भी देखती हूँ। धन्यवाद। चलो धन्यवाद, नमस्ते। तो नीलम जी, अभी ये मंत्र प्रसाद आप बोल रहे हैं, प्रसाद तो होता ही है, प्रसाद खाने का होता है, उससे ज्यादा बांटने का होता है। आज का जो देवी माँ का मंत्र है चतुर्थे कुष्मांडा माता, तो अनाहत चक्र में ध्यान कर उसकी साधना की जाती है तो रोग दोष शोक की निवृत्ति होती है, इतना ही नहीं यश बल और आयु की वो दात्री है। आज का मंत्र है ओम एंग रिंग क्लिंग कुष्मांडे नमः। आप अपना अनाहत चक्र में जो अभी यमंगी ने बताया वहां आपका मन लगा के ओम एंग रिंग क्लिंग कुष्मांडे नमः, तो हृदय के लिए आपका बड़ा हितकारक होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये मंत्रोच्चार आज के दिन का कुष्मांड माता का मंत्र है। आज माता को जैसे आपको मालपुआ डॉक्टर प्रज्ञा ने खिलाई दिया है, तो मालपुआ खाके पित्त का समन किया जाता है और वो मालपुआ आपको सिंगाड़े का खिलाया तो वो व्रत में भी हम खा सकते हैं। तो ये नैवेद्य भोग के साथ माता की अर्चना करने के बाद हम
पूरे देश के कोविड पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए ऐसी प्रार्थना करने के बाद, और जिसको भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है तो एकमात्र आयुर्वेद का जरिया है, आयुर्वेद से उसको ठीक कर सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है। आपने डेली आपने सुना है हर दिन दो पेशेंट जो ठीक हुए हैं, ऐसे मरीज आते हैं आपके पास बताते हैं, और यहाँ अभी 200 पेशेंट हम यहाँ ठीक कर चुके हैं। हमारा जो टोटल आयुर्वेद का जो रेपो है वो 86% क्योर का, सिर्फ 8% को हमको क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ से और जगह वेंटिलेटर, क्योंकि हमारा वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, ऑक्सीजन तो है, बाकी ऐसे 8 ही पेशेंट को हमको भेजना पड़ा। तो बहुत बड़ा काम हमने आयुर्वेद का सेवा करने का एक कोशिश जो की थी वो हम कर सके हैं, ऐसा हमको लगा है। तो आप माननीय रमेश जी खास करके आज हमारे बीच में आए, हमारे सबके वो मार्गदर्शक है, और आरोग्य प्रति पूरा देश का एक बड़ा आरोग्य का संगठन है जो हर पथी के लोगों को साथ में लेके मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन से हम आप पूरे देश में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आरोग्य का ये जो ऋतु है, शरद ऋतु है, रोगाणाम शारदी माता, उसको आरोग्य का महोत्सव हमने बनाने की कोशिश की है। तो वही काम आपके सामने रखा, धन्यवाद। भारत माता की जय, गौ माता की जय। तो दिल्ली से भी हमारी टीम जुड़ी हुई है आज, डॉक्टर प्रीति छाबड़ा भी हमारे साथ हैं आज, हमारी लोकल दिल्ली टीम। हाँ, आप मैम को मैं स्पॉटलाइट में ले देती हूँ। डॉक्टर प्रीति आ गई? हाँ आई है वो आज, मैं एक मिनट ले रही हूँ। प्रीति दीदी, आप मैं आपको को होस्ट, हाँ आपका अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अनम्यूट। प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ, डॉक्टर प्रीति हमारी दिल्ली की बहुत बड़ी वैद्या है, लोकायुर्वेद की पूरी नॉर्थ की इंचार्ज है, और उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इतना बढ़िया सा कार्यक्रम रखा था वुमेन हेल्थ के ऊपर, और खास करके वहाँ के वुमेन डॉक्टर्स को दिल्ली की बड़ी लोगों को इकट्ठा किया था, और अच्छी सी आयुर्वेदिक डिश उसमें खिलाई थी। डॉक्टर प्रीति आपका स्वागत है, आप बताइए कुछ। सर, आपके मार्गदर्शन में ही सब चला था, आपके मार्गदर्शन से ही सब कुछ संभव हो पाया, और आगे भी हम लोक आयुर्वेद के कार्यक्रम दिल्ली में करने की आगे पूरी कोशिश है। मेरी श्याम प्रिया जी से भी बात हुई, और ये जो आपने नवरात्रि का एक प्रोग्राम रखा ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें म्यूट हो गया, ज्ञानवर्धन हुआ, अलग अलग स्पीकर्स अपने जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे वो जान के हम सब के लिए एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन वाला ये कार्यक्रम रहा, और हम उम्मीद करते हैं, चाहते हैं आप सभी का सहयोग हमें दिल्ली में भी लोक आयुर्वेद का को और प्रचार प्रसार करने में हमें मिलता रहेगा ये सहयोग। हेलो, धन्यवाद। मनोज जी केड़िया असम से है, बहुत से सीनियर लोग इधर है, अब हमको तो ऐसा लगता है कि उनका परिचय हो जाए तो पूरा गैलेक्सी दिखेगी, लेकिन समय की हमारी सीमा है। तो आपका मनोज जी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आप जुड़े, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये बात कैसे पहुंचे वो आप जरूर बताइए, ये हमारी बात है। ठीक है, तो और कुंजलम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, मनोज जी बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, मनोज जी प्लीज। हाँ मनोज जी प्लीज, वीडियो ऑन करिए, जो आपका होगा। आ गया सर, आप आ गए। ऐसा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हाँ जी सर, आज कई वैद्य अपने इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं सर, आप बताइए। और जानी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आपके सानिध्य के लिए ही हम यहाँ पर गो पंचगव्य की सारी चीजें स्टार्ट कर दी है हमने। एक बार आप गुवाहाटी आए थे उस दिन मैं आपको दिखा नहीं पाया था, अब अपने पास यहाँ का नागपुर का मानसिंगा जी का पूरा प्रोडक्ट है, और आपका गाइडलाइन चाहिए ताकि और आगे आयुर्वेद प्लस पंचगव्य पर कुछ कर सके।
करेंगे। मनोज जी आप आए पधारे, आपका स्वागत है, धन्यवाद, मिलते रहिए और धन्यवाद। थैंक यू। आप सब हमारे साथ चारों रात्रि जुड़े रहे, आशा है आप सबको मजा आया होगा और ज्ञान भी बढ़ा होगा। ऑनलाइन यूट्यूब पर जुड़े सारी ऑडियंस को धन्यवाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं। मिलते हैं कल फिर इसी समय 9 से 10 बजे यूट्यूब पर डॉक्टर हितेश जानी जी द्वारा माँ के पंचवी स्वरूप का साथ, आयुर्वेद के पांचवी औषधि, अन्य अनहर्ड फैक्ट्स और भूमि जी के संगीत, हिमांगी जी के नए योग स्टाइल और प्रज्ञा जी के शरद ऋतु स्पेशल रेसिपी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और फिर से मैं बताना चाहती हूँ, लोक आयुर्वेद वेबसाइट में आप जाके बहुत सारे चीजें जो आप यहाँ नहीं जानते वो आप जान सकते हैं। अब पहले से नीलम जी ने बताया, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। थैंक यू, शुभ रात्रि। तो मंगला ये दस